जिसमें प्री ग्रेडेड कपास आपको आया और आपने डेडिकेटेड जीनिंग फैक्ट्री दी और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू और कॉटन गुरु के मोबाइल ऐप के थ्रू टोकन जनरेट हुए और ये काम हुआ, ये काम अगर बहुत स्केल अप हो जाता है तो सीसीआई को क्या सहूलियत इससे हो सकती है? मनीष जी को धन्यवाद देता हूँ बुलाने के यहाँ पे, ये तो अच्छा है। लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस हुआ था बगल तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो किसान भाई लोग आए थे उनको वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है जो कोविड के टाइम में बहुत ही लंबा लाइन में रहना पड़ता था फार्मर्स को, क्योंकि थ्रू एपीओ बेचा था मनीष भाई, जो एपीओ थ्रू में बोला था एग्री किया था, एक ही ट्राइव रजिस्ट्रेशन किया था बहुत सक्सेस रहा है, अच्छा क्वालिटी मिला हमको, यानी हमें प्रीमियम में पहले भेज दिया, हालांकि हमें नुकसान हो गया था इसलिए नुकसान हुआ कि पहले भेज दिया, मार्केट बाद में बढ़ गया है इसलिए कहीं फार्मर नुकसान नहीं हुआ, हमारा सीसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जो बढ़ा हुआ उसको फायदा हमें नहीं हुआ, अच्छा क्वालिटी हमें सस्ता भेज दिया क्योंकि मार्केट बाद में बढ़ गया था, लेकिन ये हमारा अच्छा है कि पहले भेज दिया हमने और अच्छा डिमांड रहा बहुत ऐसे ऐसे सस्ता ऐसे सिस्टम और अगर पूरा देश में चले गए तो और अच्छा रहेगा। और भारत का जो अभी जो पहले बात हुआ कंटामिनेशन का वर्ल्ड लेवल पर बात हो रहा है इसी का समाधान हो जाएगा, अगर ये क्योंकि वो ग्रेड ग्रेड करके हमारे पास आता था, हमारा बिल्डिंग का बहुत अच्छा ही व्यवस्था था, हमारा प्रोसेसिंग अच्छा हो रहा था, ये कंटिन्यू होना चाहिए और हम हमें सपोर्ट करेंगे, जब भी सीसीआई का काम चलेगा जब भी सपोर्ट पेज चलेगा कमर्शियल चलेगा तो हम आग्रह करेंगे कि ऐसे व्यवस्था आ गया है और आगे हम भी उत्साह से काम करेंगे। धन्यवाद।